शहर के सभी जो हम लोग के इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की टीम है, डीन मैडम है, या जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, CMHO डॉक्टर्स की टीम है, इन सब साथ बैठ करके एक बार समझना चाह रहे थे कि मेडिकली क्लिनिकली किस तरह के सिम्टम्स इस समय कोरोना के शहर में चल रहे हैं अस्पतालों में, और किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में, कितना अस्पताल के संचालकों का या डॉक्टर्स का क्या ऑब्जर्वेशन है वायरल लोड को लेकर के, और किस प्रकार से जो ये संख्या बढ़ी है किस प्रकार किस दिशा में जा रही है, और क्या कारण हो सकते हैं, जो डॉक्टर्स का जो पूरा फीडबैक रहता है कि क्या कारण हो सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के सभी डॉक्टर के साथ बैठक थी। माननीय सांसद जी थे उसमें, संभागायुक्त महोदय थे और डॉक्टर निशांत खरे थे उसमें, और सभी से चर्चा की हमने डॉक्टर्स से, और डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन यही था कि संख्या कुछ बढ़ी है, और संख्या बढ़ी है ये सही है, संख्या बढ़ने का कारण ये भी है कि हम लोग किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे भी करा रहे हैं, 60-70% उसमें सर्वे के ही पेशेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने वो पेशेंट पड़े हैं, पर ये बात भी सही है कि 30-40% पेशेंट्स उसके अतिरिक्त भी आ रहे हैं और जिनमें सिम्टम्स हैं जिनमें, तो ये एक अगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सही वक्त है कि इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन मेजर्स होने चाहिए शहर में। फिर ये भी बात की गई डॉक्टर से कि कारण क्या है सब चीज़ों का, तो उसमें डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन ये था कि जो एक जो सब्जी विक्रेताओं से या सब्जी मंडी के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई हैं, शहर में भी कई जगह गई हैं, फिर जो फूड जोन्स जो खुले हैं, जो फूड के स्टॉल्स खुले हैं, जिस प्रकार से लोग वहाँ पर बिना मास्क यूज़ किए और जिस प्रकार से लापरवाही से लोग खा रहे हैं फ्री होकर के, वो भी एक कारण है। और तीसरा जो मार्केट में जो मिक्सिंग हो रही है लोगों की, और जो दुकानदारों को सचेत करने का रखने का बोला गया था, जो वहाँ के एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी है कहीं ना कहीं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन या मास्क का नहीं लगाना भी एक कहीं ना कहीं एक कारण बनता हुआ दिख रहा है। इन सब चीज़ों पर काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है हम लोगों की। जनरल ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स का यही है कुछ शहर में करना चाहिए ताकि मिक्सिंग कम हो लोगों की, और ताकि जो अभी ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई है अभी जो पूरे देश में और पूरे विश्व में ये ट्रेंड रहा है हर समय कि एक समय के बाद दोबारा ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स के साथ में केसेस बढ़ते हैं, और उसकी एक बहुत ही हल्की शुरुआत एक तरह से इंदौर में इंडिकेशन के रूप में दिख रही है, तो सभी डॉक्टर्स एकमत से सहमत थे कि कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या इस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, लोगों का मिक्सिंग कम हो, और किस प्रकार से किया जाए स्पष्ट है कि डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं बदला सकते हैं, और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई किस प्रकार से किया जा सकता है, पर हाँ ये शहर को आज आवश्यकता है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि जो वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे आप कल नोवेल्टी मार्केट हम लोगों ने सील कराई, वहाँ का अगर आप हालत देखते क्या है तो वाकई बहुत आश्चर्य होता है कि दुकानदार या आम जो बिल्कुल भी लापरवाही कर रहे हैं। दूसरा अगर आप जेल रोड की स्थिति देखें शहर में, तीसरा आप सिंधी कॉलोनी मार्केट की स्थिति देखें, आप चौथा फल सब्जी मंडी की स्थिति देखें, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टीमें गई नहीं है, चेक नहीं किया है, और उसके बावजूद भी हर समय हर जगह हर स्थान पर प्रशासन की या नगर निगम की या पुलिस की टीमें नहीं खड़ी रह सकती हैं। कुछ जनता को भी समझना चाहिए या जनता के साथ जुड़े हुए जो एसोसिएशंस हैं, जिन लोगों के कमिटमेंट्स में हम लोगों ने अनुमतियाँ जारी की थी, उनको भी समझना चाहिए थोड़ा। तो कहीं ना कहीं वॉलेशन हुए हैं, वही रीज़न है, और ये चीज़ न केवल इंदौर में है, देश के अन्य शहरों में भी थोड़ा ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा तेज़ी से उठी है, वर्ल्ड में भी उठी है, पर हाँ इंदौर में अभी ये स्टेज है कि अभी थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन मेजर्स ले लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो उछाल आ रहा है देश में उससे अपन बच सकते हैं। जो संख्या के साथ साथ कुछ सीरियस पेशेंट भी आए हैं, ये देखा गया है प्रायः कि जो शहर के साथ साथ आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी मरीजों की संख्या आ रही है, और एक जो जागरूकता आम लोगों में होनी चाहिए उसकी कमी देखी गई है। हमने शुरुआती दौर में फाइन करने की बात कही थी, लेकिन ये बात आ रही थी फाइन ज़्यादा है और लोगों की प्रतिक्रिया थी कि अब एक सप्ताह उनको मौका दिया जाए, लेकिन उस मौके देने के बाद भी हमने देखा कि जनता जिस प्रकार से अनुशासन और संयमित रहना चाहिए वो नहीं रह पाई और लगातार केस बढ़ते गए। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। आज हम सभी जो डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से, हमारे डीन CMHO और MI के जो अधीक्षक हैं उन सबसे बैठे थे, तो सबकी चिंता थी कि मरीज बढ़ रहे हैं और सिम्टम बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस प्रकार हमने लॉकडाउन खोला है, लॉकडाउन किया है, तो जो प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए आम लोगों को वो नहीं ले रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं हमको विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार आगे बढ़ें। लॉकडाउन की ओर हमें जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, अगर ये इसी प्रकार की स्थिति रही तो।